नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर परिसीमन की चुनौती को किया खारिज, कहा उक्त मुद्दा संविधान पीठ के समक्ष लंबित। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू ने सेव रायका फॉरेस्ट को लेकर किया प्रदर्शन। साइंस कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों पर पत्थर बरसाने का लगाया आरोप। और बीडीसी एसपीओ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए किए गए परिसीमन को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किए गए परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति ओका ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि याचिका को खारिज करने का अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 370 के संबंध में लिए गए निर्णयों को अनुमति दी गई है, क्योंकि उक्त मुद्दा एक संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू द्वारा आज सेव रायका फॉरेस्ट को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाए जाने की बात की जाती है, लेकिन लगातार पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। कि जम्मू कश्मीर जेड़ा है वो एक हिमालयन स्टेट है, एक इको सेंसिटिव जोन है, उसी जेड़ी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, वो उसी ध्यान से रखिए करनी चाहिए थी। नहीं तो तुम सारे दिखा दो के वादा सारे जोशी मठ कन्ने। अज पिछले जनवरी शुरू होया हा ते पता लग्या हा कि जोशी मठ उपर दरारा आई गेदियां, वो दरारा आई गेदियां, उत्थे के होया उए हिसाब की डेवलपमेंट हुई के होया, थोड़ी देर बाद जेड़ी जमीन के अंदर सुरंग हुई उत्थे पानी इकट्ठा होन लगी पिया, होया आई गई दोबारा उत्थे जेडे 20,000 लोग है कुत्ते गए अपने घर छड़िए चली गए, कोई जीने का उन्हें रस्ता नहीं लभ्या। वो चीज सेम चीज साढ़े डोडा डिस्ट्रिक्ट ठठरी च भी होआ दी, डोडा च भी होआ दी है, आए दिन उत्थे उत्थां दे घर टुटा दे, उत्थे दीवारां टुटा दियां, कुत्ते जाना लोकें। हुण तुस दिक्खी सकदे हो साढ़े जम्मू का जेड़ा एक 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 फॉरेस्ट एक जंगल है जेड़ा बचे दा वो है रायका फॉरेस्ट, उसी भी कट्टने का आर्डर देई ओड़े दा। असें पिछले 3 साल हो गया उत्थे मूवमेंट चलांदे सेव रायका फॉरेस्ट, मगर कोई ओहदे उपर कोई नहीं है, उहे आर्डर ओहदा चले दा आए उत्थे स्टार्ट नहीं होया, मगर ओही आना उत्थे भी फिर जोशीमठ ते डोडा बनने दा देर नहीं लगनी है। कुत्थे जाना लोकें, चली आना कार छड्डिए, कुत्थे जाना दसो सानू। साइंस कॉलेज के छात्रों ने आज हॉस्टल में रह रहे छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रह रहे छात्र उन पर पत्थर बरसा रहे थे। जब उनसे ये पूछा गया कि इस पे प्रशासन ने यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कदम उठाया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन पुलिस आकर कार्यवाही कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने इस पार्क में आके हमारे ऊपर सरेआम पत्थर चलाया है, और जब उनको पकड़ने गए वो सारे हॉस्टल के अंदर बैठे हुए, वहाँ से शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। शराब खाला है कॉलेज को, शराब खाला बुला के रखा है। कॉलेज हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। कॉलेज हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। यही मांग है सर, जिन्होंने पथराव किया है उनको एक बार थाने में बैठा के जिन्होंने बोतलें बाहर चलाओ या हमारे सामने पेश करो। लड़ना है हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है, मगर पीठ पीछे पत्थर चलाओगे वो हम बता। आपने कॉलेज प्रशासन को नहीं बताया गया? लड़कियों को पत्थर लगा, लड़कियों को भी पत्थर बजा सर, लड़कियों को भी पत्थर बजा है। आप मुझे बताओ पुलिस आई है यहाँ पे, पुलिस बोलते हैं हम शॉर्ट आउट करते हैं, हम हॉस्टल के अंदर जाते हैं, हमें पत्थर मार रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन हर बारी बोलती है कॉम्प्रोमाइज कर दो, हर बारी यही करते हैं सर, हम नहीं करेंगे। चलो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में उनके पास गए। बीडीसी के एसपीओ ने वेतन ना मिलने पर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से एसपीओ को वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताते हुए जल्द वेतन जारी करने की मांग की। जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है इनको ये क्यों नहीं पता चल रहा कि अननेसेसरी किसी आदमी को तंग ना किया जाए, किसी लोगों को तंग ना किया जाए।
आखिरकार ये अपनी ड्यूटी छोड़ हार कर आज प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट एक दिन का होगा, बाकी प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली में होगा। आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनके समक्ष हम दिल्ली में जाकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। डब्ल्यू जी कितने 300 एसपीयू है पूरा जम्मू प्रोविंस का। जब मिलिटेंसी पीक पर थी तब इन लोगों को एंगेज किया गया था और इनमें से कईयों ने शहादत भी दी है। कई लोगों की जो सैलरी अभी आ रही है, इनका जो सैलरी आती है जिसकी वजह से इनका घर परिवार जो चल रहा है, छोटे छोटे मकान बनाने के लिए लोन लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना इनको नहीं मिलती। अगर दो कमरे बनाने हो गए कम से कम 7-8 लाख रुपए के, दो कमरे जो 5-6 लाख रुपए के इन्होंने बनाए हैं। और मुख्य डिमांड्स क्या क्या हैं कि इनको एज ए एसपीओ की तरह जैसी इनकी ड्यूटी है दी जाए, इनकी सैलरी बहाल किया जाए, इनके साथ इनजस्टिस ना किया जाए और हमारे जो बीडीसी मेंबर्स हैं उनको भी इस हिसाब से 4,000 रुपया नहीं, उन लोगों को एक देश एक विधान एक संविधान के हिसाब से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे बाकी यूटीज में 311 रुपए मिनिमम बेसिस एक्ट है, उस हिसाब से 9,300 रुपया बीडीसी मेंबर को भी दिया जाए, उनके साथ भी जो इनजस्टिस है वो ना किया जाए। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इसको लेकर पर्यटन विभाग जम्मू और जम्मू नगर निगम भी तैयार है। महाशिवरात्रि मेला इस बार पीरखो में 17 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को बढ़ चढ़ कर इस मेले में भाग लेने की अपील की गई। शिवरात्रि को लेकर बहुत अच्छी तैयारी हम करने वाले हैं और इसमें सैनिटेशन, पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक डिकंजेशन के साथ साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि वो यहाँ मेले का आयोजन करें और उस मेले में क्या दिखाना है उसके बारे में भी बड़ी बारीकी से बताया गया है। जैसे हमारी डोगरी में भेंटे गाई जाती हैं हर तीर्थ स्थल के ऊपर, वो रहेंगी। हमारा डोगरा कल्चर, डोगरा हिस्ट्री वो बताया जाएगा। उसके साथ साथ में जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो बताए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मैंने उनको कहा है कि आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, जो हमारी ऑडियंस हो उसमें स्टूडेंट्स हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए कॉलेजेस और स्कूल में संपर्क करते हुए युवा पीढ़ी को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि उनको हमारी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो मालूम चले। और इसके साथ में जितने भी हमारे यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल फिगर्स हुई हैं, चाहे उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम हुए हों, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए हों, जिन लोगों ने पद्मश्री लिया और पॉलिटिकल स्टार हुआ जैसे हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, उनकी हिस्ट्री भी बताई जाएगी। तो ये एक किस्म से कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोग्राम होगा जिसके साथ में जनता को अपने इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले इसे अंतिम रूप देने के लिए 26 जून 2019 को राज्य का दौरा किया था। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो ने अपनी आने वाली पुस्तक में इस बात का दावा किया है। ढिल्लो ने 2019 में दक्षिण कश्मीर के लेथपुरा में आतंकी हमले के दौरान CRPF के 40 जवानों की शहादत पर कितने गाजी आए कितने गाजी गए शीर्षक से ये किताब लिख रहे हैं। पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अमित शाह का वह दौरा उस अहम घोषणा के लिए पहले से तय था। मेरे पास देर रात 2 बजे फोन आया जिसमें सुबह 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की सूचना दी गई। किश्तवाड़ के उपमंडल पार्डर की दूरदराज तहसील मचेल के संडोती गांव में भारी बर्फबारी और तेज आंधी से 2 मकानों को नुकसान हुआ है। एक लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही मचेल तहसील में हिमस्खलन हुआ था जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रविवार को बर्फीली आंधी से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीते एक माह में कई बर्फीले तूफान आए जिनमें 2 विदेशी पर्यटकों सहित 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर रविवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और उनके निवासी रोजगार, बेहतर कारोबार और प्यार चाहते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मिला भाजपा का बुलडोजर। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल भी इस अभियान को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश प्रशासन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सरकारी भूमि से शत प्रतिशत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद से पूरे जम्मू से कश्मीर तक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 लाख कनाल से अधिक भूमि से कब्जा हटाया जा चुका है। प्रदेश में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग की परीक्षा अब सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड पहली बार इस परीक्षा पर लाइव निगरानी रखेगा। इसके लिए रिहाड़ी स्थित बोर्ड मुख्यालय में एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां परीक्षा केंद्रों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट होंगे। बोर्ड के इस प्रयास का उद्देश्य नकल मुक्त और पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाना है। प्रारंभिक शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ईटीटी न सिर्फ सरकारी शिक्षक बल्कि अन्य उम्मीदवार भी करते हैं। एक साल तक पढ़ाई के बाद बोर्ड इसकी परीक्षा लेता है। प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए ईटीटी अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन नियुक्ति में ईटीटी को तरजीह दी जाती है। नकल की हर तरह की संभावना को खत्म करने के लिए पहली बार इस परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। अतिक्रमण विरोधी अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने रामबन जिले के बनिहाल में 61 दुकानों को सील किया है। दो दुकानों को तोड़ा भी गया है। एक निजी स्कूल के कब्जे से 8 मल्ला भूमि को खाली करवाया गया है। सरकारी भूमि को मुक्त कराने से पहले एहतियात के तौर पर 2 सरपंचों को हिरासत में लिया गया। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बनिहाल के तहसीलदार इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों की टीम ने शनिवार को दुकानों के मालिकों, फार्मेसी और नैदानिक प्रयोगशालाओं को नोटिस जारी किया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दुकानदार और स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए थे। आधी रात को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।